देख रहे हो भाई, गलती सीन हो गया यार भाई। इसको सीधा भी कैसे करेंगे, तो सीधा भी नहीं होगा यार। ओ भाई ये देख रहे हो, गलती सीन गाइस। इनसे कहाँ उठेगा यार ये, बिल्कुल ये इसमें अंदर तार कोल है, मुश्किल है भाई इनसे उठना। तो UK07 राइडर कोई राइडर है? ओ भाई, मतलब यार ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना बंदे कसम से। जिन बंदों को साइकिलें चलानी नहीं आती ना, जो बंदे पैर लगा के बाइकें मोड़ते हैं, वो हमें सिखाएंगे राइडिंग। देख रहे हो भाई, ये देखो ये देखो, सारी ऊपर आ गई यार। बाइकर वालों को तो पता भी नहीं कि मैं जो है शिमला आया हुआ था, मतलब मेरी बाइक में ये सारा सीन जो हो गया है। पर भाई आज बाइक का काम कराएंगे, क्योंकि कल रोडू मेला है, तो भाई हमारी बाइक बिल्कुल ओके होनी चाहिए। भाई ये भी लग गया अपने स्पेशल एडिशन का स्टिकर, भाई ये बाइक स्पेशल ही है यार। रोडू से पावा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोडू से बाबा। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शिमला में, इन सीढ़ियों के उतरने से। तो भाई आपको पता है शिमला में यार कैसी कैसी मतलब चढ़ाइयाँ हैं, सीढ़ियाँ देखो भाई, वहाँ नीचे तक जाना है। तो भाई कल हमने अपनी बाइक का काम जो है मतलब करवा दिया था, मतलब हैंडल टी वगैरह सब कुछ मतलब जोड़ दी थी उसमें। भाई गलती सीन चलेगा आजकल लाइफ में यार, मतलब एक सीन से बाहर आता हूँ दूसरे सीन में फंस जाता हूँ। तो भाई अब चलते रोडू, भाई घर वालों को तो पता भी नहीं है कि मैं जो है शिमला आया हुआ था, मतलब मेरी बाइक में ये सारा सीन जो हो गया हुआ है। अब चलते भाई फटाफट से घर की ओर। भाई क्या ही बोलूँ यार, गलती सीन चलेगा लाइफ में यार कसम से भाई। और भाई रोडू मेला भी आ ही रहा है, और मैंने अपनी बाइक का काम जो टोटल करा दिया हुआ है। अब उसमें रहता है एक जगह पेंट कराने को और स्टिकर्स लगाने को, बाकी टी हमने जो है जोड़ दी हुई है उसकी। और हमने जो है एग्जॉस्ट की जो मैंने बात करी थी कि भाई जो वो वाला एग्जॉस्ट है मैं निकाल दूंगा, उसमें स्टॉक एग्जॉस्ट जो है लगा दूंगा। तो भाई मैंने स्टॉक जो अपनी बाइक में एग्जॉस्ट लगा दिया हुआ है। गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं अपने प्यार के पास। तो भाई ये चेक करो यार, शाम को ना बारिश हुई थी हल्की हल्की, देख रहे हो सीटों पर बूंदे, गंदी होगी बाइक। और भाई हमारा इंडिकेटर देखो, ये मैंने जो है लगा दिया हुआ, अभी इसमें भी यार टेपिंग कराने को ही है। तो भाई ये देखो मैंने स्टॉक एग्जॉस्ट जो है लगा दिया हुआ है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी हो रहे थे और मेरे इंजन को भी हार्म पहुंच रहा था। तो मैं कहा चलो स्टॉक एग्जॉस्ट जो है लगा देते हैं। बाकी यहाँ से व्यू चेक करो भाई, एक नंबर। और भाई बारिश भी लग सकती है आजकल, आपको पता ही भाई मौसम के बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। तो ये भी फटाफट से यहाँ से निकलते बिना टाइम वेस्ट किए। मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया हुआ था, मतलब कि यार सिमेट्री वाली साइड को, लोअर सिमेट्री। तो भाई कल एक बंदे का ना यार कमेंट आया था मेरी वीडियो के नीचे कि भाई ये क्या राइडिंग करते हो, छपरियों की तरह, UK07 राइडर की तरह करो, बिग बॉस में जाओ, ऐसा वैसा। UK07 राइडर कोई राइडर है? ओ भाई, मतलब यार ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना बंदे कसम से। मैंने बंदे को बोलता, मैं कहा मैं तेरा रिप्लाई ज़रूर करूँगा भाई, UK07 राइडर मेरे को नहीं पसंद। फकत बात बोलता हूँ भाई, नहीं पसंद तो नहीं पसंद। उस बंदे ने इतना गलत सीन किया है ना मेरे साथ भाई, वो बंदा बिल्कुल भाई अच्छा इंसान नहीं है, सच्ची सी बात मैं आपको बोलूँ भाई। पर्सनली जब आप उस बंदे से मिलोगे ना भाई, मैं बोलता हूँ उसका काम एक नंबर है, मैं मान गया, बट भाई वो बंदा सही नहीं है भाई, सच्ची सी जो मैं आपको बात बोलूँ। वो बंदा यार समझता नहीं अपने फैंस को कुछ, सच्ची सी जो बात है भाई। इस खेल में मेरे साथ खुद सीन हुआ तब मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है, फालतू मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। और भाई जो उसका भाई है ना कलमिंग भाई, रिस्पेक्ट है भाई की, एक नंबर बंदा है भाई, डाउन टू अर्थ। जो भाई UK07 है ना उसको मैं बिल्कुल नहीं मानता। और बात रही जटप्रप जोत की, तो भाई जटप्रप जोत भैया मेरे को बहुत टाइम पहले से पसंद है, तो है ठीक है। अब भाई देखो पता क्या होता है, मोटो व्लॉगर कई तरह के होते हैं, ठीक है। कई लोग मतलब बाइक ऐसी चलाते हैं, कई लोग मतलब जगहें दिखाते हैं, लोकेशन दिखाते हैं। तो भाई हम मोटो व्लॉगर वो जो बाइक ऐसी चलाते हैं, ठीक है, फालतू की बात मत किया करो कमेंट के नीचे। रही बात छपरी की, तो भाई एक बारी रोड पे आ जा तब बताता हूँ उधर को, ठीक है। फालतू की बकचोदिया ना किया करो कमेंट में, ठीक है, आगे से कमेंट करने से पहले 100 बारी सोचना, ठीक है। फालतू कमेंट कर देते हैं घर पे बैठ के। जिन बंदों को साइकिलें चलानी नहीं आती ना, जो बंदे पैर लगा के बाइकें मोड़ते हैं, वो हमें सिखाएंगे राइडिंग। ओ यार छोड़ो भाई, क्या ही बोले। चलो अभी यार फटाफट से यहाँ से निकलते हैं बाहर, अभी यार बहुत दूर जाना और रोडू जाके मुझे जो अपने बाइक का काम भी करवाना है। और भाई स्टॉक एग्जॉस्ट में देखो आप कैसी आवाज़ आ रही है भाई, वापसी हमने नॉर्मल एग्जॉस्ट जो है इसमें लगा दिया हुआ है। और लोग भी भाई परेशान हो रहे थे, बहुत इन्जॉय ले लिया, बहुत ही चलान कर दिए अपने, मतलब बहुत चलान करवा दिए अपने। तो भाई अब ठीक है नॉर्मली, अब कोई कुछ बोल के देखे। तो भाई अभी शिमला को बोलते बाय। और भाई मेरे घर वालों को भी नहीं पता है कि मैं शिमला आया हूँ, घर वालों को पता है कि भाई रोडू में ही है, कसम से यार। मतलब क्या ही सीन हुआ यार अपने साथ भाई, छोटा सा क्रैश हुआ और उसमें भी भाई इंडिकेटर जो है चला गया। और इधर से भाई देखो मैंने परसों यहाँ ठीक कराया था, ये भी मतलब टूट गया हुआ है। और भाई हैंडल टी यार, ये वाली हैंडल टी और नीचे वाली हैंडल टी, अपर हैंडल टी और लोअर हैंडल टी जो है दोनों नई पड़ी है भाई, और हैंडल भी दोनों नए पड़े, दोनों जो है मुड़ गए हुए थे भाई। मतलब इतने खर्चे हो जाते हैं ना यार, लोगों को लगता है मोटो व्लॉगिंग आसान है, बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। मेरे को 3-4 दिन हो गए भाई कंटिन्यू जो है ट्रैवल ही कर रहा हूँ। पहले चंडीगढ़ गया, फिर चंडीगढ़ से घर आया, फिर घर से अगले दिन सोलन आना पड़ा, फिर सोलन से शिमला आया, फिर शिमला से वापसी मेरे को सोलन जाना पड़ा, और आज घर जा रहा हूँ। कसम से यार क्या लाइफ होगी भैया भाई, कसम से। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं ना जो मतलब स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं, तो भाई बहुत बेस्ट लाइफ है आपकी, कसम से बता रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि मेरी लाइफ बेस्ट है, घूम फिर रहा है ऐश
कर रहा है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है, वो भाई हमें ही पता है। गाइस देख रहे हो गाड़ी के पीछे हमारे हिमाचल का ताज रखा हुआ है, देख रहे हो भाई पहाड़ी टोपी। गाइस तो भाई अभी यार फटाफट से निकलते, भाई मेरे को डर पता किस बात का, कहीं अगर बारिश लग गई ना तो भाई भीगते भीगते पहुंचूंगा। परसों रात वाली क्लिप्स आप ने देख ही ली होगी भाई क्या हालत हो गए हुए थे। ओ भाई अभी कुफरी जो एंटर हो गया हूँ भाई, यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है ना यार, मैं ज़्यादा कपड़े लेके भी नहीं आया था, मैं घर से बस ऐसे ही निकल गया था। मैं कहा यार आ जाता हूँ अपने बाइक का जो है काम कराता हूँ रबिंग वगैरह, उस दिन यार रबिंग भी नहीं हो पाई अपने बाइक में, क्योंकि भाई यार उस दिन भैया ने बोला कि अभी आपको पेंट करा के जो है 2 दिन भी नहीं हुए अभी रबिंग करेंगे तो भाई वो हो नहीं पाएगी प्रॉपर, उस वजह से करा नहीं पाया था। अभी मैंने स्टिकर्स वगैरह भी जो नहीं लगवाए हुए, रबिंग भी नहीं करवाई है, अभी यार आज जाके जो है रबिंग वगैरह भी करवानी है और स्टिकर जो है इसमें वापसी लगवाने हैं। 2 दिनों में 2 क्रैश हो गए हुए मेरे कसम से यार, काफ़ी सारे लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि भाई इसके तो क्रैश ही होते रहते हैं वो सो ऐसा वैसा, पर देखो तुम्हारा बाबा फिर से जो ट्रैक पे आ गया है, ठीक है भाई। मैं वो बंदा हूँ ना 100 बारी गिर भी जाऊँ ना फिर भी उठने का दम रखता हूँ, ठीक है, गिरना बड़ी बात नहीं है उठना बड़ी बात है, ठीक है, गिरती तो भाई दुनिया है, उठ के दिखाओ तब पता लगता है। कई बंदे ऐसे जिनके एक्सीडेंट हो गए घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, टांगे टूंगे तोड़ा के, बट तुम्हारा भाई वो बंदा 2 बारी टांगे तोड़ा दिए 22 टांगे लगवा दिए फिर भी भाई ट्रैक पे है, ठीक है। फालतू की बकवास मेरे सामने मत किया करो, काफ़ी सारे बंदे जो बकवास करते हैं और काफ़ी सारे बंदों को भाई जलन होती है कि मेरे दोस्त कौन है राजा डीसी और जानू स्टंट्स, उस वजह से यार जलन होती है मेरे को, बोलते कि तू क्यों उनके साथ राइड वगैरह करता है ऐसा वैसा, वो लोग खुद तो मरेंगे तेरे को भी मरवाएंगे ऐसा वैसा। तो भाई हमारा भाईचारा ना कुछ दूसरे लेवल का है, तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है, मेरे को पता भाई वो बंदे कैसे है, तुम्हारे बोलने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो मेरी नज़रों में सही है ना तो भाई वो मेरे लिए बिल्कुल जिगर के टुकड़े है, ठीक है, तुम लोग जो मर्जी बोलते रहो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, फकत सी बात बोलता हूँ। आज मैंने घर जल्दी पहुंचना है यार, क्योंकि घर वालों को सही में बता रहा हूँ भाई नहीं पता है कि मैच जो है सोलन भी गया था, मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन भी हुआ था कसम से भाई। अभी यार मम्मा की कॉल आई थी सुबह की, कहाँ है तू घर नहीं आ रहा आज, मैं भाई 3 दिनों से जो है घर नहीं गया हुआ हूँ यार बाइक के चक्कर में, भाई ये मेरा प्यार है यार, ये बाइक नहीं है, जब तक ये ठीक ना हो ना तब तक मेरे को मज़ा नहीं आता है यार। और भाई हार्डकोट यहाँ से 73 किलोमीटर देख रहे हो भाई। गाइस मैंने ना ब्रेकफास्ट भी नहीं करा भाई, आगे जाके एक जगह है एक होटल है वहाँ पे जाके सिड्डू खाएंगे, हमारे हिमाचल की बहुत ही जानी मानी डिश है, आप लोगों को भी दिखाएंगे क्या होता है सिड्डू। जो लोग बाहर से मेरे को देख रहे हैं ना, जो मेरे भाई लोग बाहर से है मतलब आउट ऑफ हिमाचल है, उनको हम दिखाएंगे कि सिड्डू क्या होता है, ठीक है। ठंड लग रही है यार अभी, क्योंकि मैं सिंपल एक हुडी लेके आया हूँ यार, 3 दिनों से एक ही कपड़ों में हूँ भाई। ऐसे भी ठोक जो है क्रॉस कर दिया हुआ है अभी भाई, मेरे को बाइक भगाने का इतना मज़ा आ रहा है ना कसम से बता रहा हूँ भाई, मैं मेरे क्रैश भाई जितनी मर्जी बारी हो जाए ना बट भाई मैं स्लो नहीं चल सकता हूँ, पक्का अच्छी बात है भाई, मैं स्लो जो है चल ही नहीं सकता हूँ यार भाई, प्यार है इस चीज़ से, थ्रॉटल से प्यार है भाई, ठीक है, थ्रॉटल से प्यार है ये इस चीज़ से प्यार है बाबा, देख रहे हो भाई गीली है यार रोड, बाइक बाहर जा रही है, अब तो अपनी बाइक की टी जो है वो भी एकदम ओके होगी भैया, तो गाइस भगाना तो बनता है बस। ओ भाई देख रहे हो कितने रॉन्ग आगे भैया, ओ भाई ओ भाई ऐसी थोड़ी रोड उसे बाबा है, क्रैश टूस होते रहते कोई चक्कर नहीं क्या हो गया, बट भाई स्पीड कम नहीं होगी सच्ची सी जो बात है। ओ भाई यहाँ पे गाइस बिल्कुल ब्लाइंड था बट चलो देख रहे हो गाइस ऐसे और ऐसे ही चला हुआ है बिल्कुल तुम्हारा भाई नेक्स्ट लेवल यार, मजा आता है भाई बाइक भगा करके ना कसम से बता रहा हूँ यार। नेक्स्ट लेवल यार क्या भगा रखी है अभी मैंने यार, पूरी बाइक जो है गाइस कंट्रोल में चली हुई है, बिल्कुल कंट्रोल में, पूरे कंट्रोल में। ओ भाई नेक्स्ट लेवल भाई नेक्स्ट लेवल यार, मजा आ गया गाइस,
नेक्स्ट लेवल मजा आ गया भाई। मतलब मेरे को शायद आधा घंटा भी नहीं लगा होगा यहाँ पहुंचने में, कसम से बता रहा हूँ, शिमला से जैस घाटी पहुंचने में आधा घंटा भी नहीं लगा होगा भाई। नेक्स्ट लेवल राइड करता है तुम्हारा भाई यार, जो मर्जी हो जाए ठीक है, तुम्हारा भाई नहीं मानता। तो गाइस अब यहाँ पे रुकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि भाई हम सिड्डू खाने रुकेंगे, तो भाई यहाँ पे बैठते हैं, सिड्डू वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहते हैं। ये भी अपने सिड्डू जो आगे भाई, ये देखो भाई यहाँ पे एक तो मैंने खा भी दिया भाई, मतलब लेट ही याद आएगी भाई, व्लॉग भी बनाना था। ये देखो भाई ये अपने सिड्डू आगे भाई, इसमें इस तरह की स्टफिंग जो अंदर होती है, घी है और ये चटनी, इसके साथ इसको खाते हैं। तो कैसे अभी फटाफट से सिड्डू खाते भाई, बहुत ज्यादा भूख लगी है अभी यार। मेरा एक फ्रेंड है वो भी छाना में वेट कर रहा है, तो कैसे सिड्डू खाते फटाफट, उसके बाद देखते क्या सीन रहता है। ओ भाई गोली गाइस गोली भाई, मैं जब गाड़ियों के साइड से निकलता हूँ ना, पक्का ये लोग मेरे को गालियां मारते होंगे। ओ भाई नेक्स्ट लेवल यार। हेलो कहाँ है भाई, अंदर की नहीं आता मैं, बाहर आ। क्या हाल है अखिल भाई के, कैसे हो? और बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। ओ भाई देख रहे हो, ये तो डर ही नहीं रही है, ये तो डर ही नहीं रही। हाँ दाने गाइस देख रहे हो कितनी प्यारी है भाई, सही में दूं कैसे, ऊपर से नीचे फेंकूं यहाँ से, देख रहे हो भाई, ये देखो ये देखो सारी ऊपर आ गई यार, वाह। तो गाइस अभी यहाँ पे आगे बैठे अपने दो भाई, आप लोग डेली वीडियोस देखते हो पक्का, ऐसे प्यार बनाए रखो, हमने सुपर बाइक भी लेनी, 1 मिलियन भी करने है, ठीक है ठीक है। अखिल भाई मिलते फिर आपसे, ध्यान रखो आप भी, ओके। यहाँ देख रहे हो भाई स्मार्ट लौंडा बॉडी वुडी बना के, क्या हाल है मेहता जी, कैसे हो आप, बढ़िया। हेलमेट कहाँ है आपका, ओ ऐसे नहीं चलानी मेरी बाइक, ओ ओ भाई जी अरे तो मुड़ पहले चाबी तो दे दूंगा, पहले बोले हेलमेट कहाँ है, बिना हेलमेट के क्रेजी राइडर्स। तो गाइस यहाँ से व्लॉगिंग जो करने वाला है मेरा भाई ओ यार आराम से चलिए, मैंने अभी बोल दिया भाई मैं पीछे नहीं बैठता हूँ किसी के, ओए आराम से चलेगा, पहले बोला आराम चलेगा, आराम से चलता हूँ। गाइस अभी हेलमेट जो है मैंने पहन लिया हुआ, इसने हेलमेट नहीं पहना, बोले भाई मैंने हेलमेट अभी नहीं पहनना, थोड़ी देर के लिए आराम से चलूंगा। और भाई मेरे को भी पता लग रहा है कि मेरी बाइक की सीट कितनी ऊंची है, और एक बंदा तो भाई पिछली सीट पे बैठ के जो व्लॉग कर सकता है, कसम से यार। गाइस ये हम पहुंच गए वादियों में, देख रहे हो भाई इधर को भी पेड़, इधर को भी पेड़ और बीच में रोड, भाई नेक्स्ट लेवल सीन यार। और भाई यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा है ना, कसम से यार नेक्स्ट लेवल ठंड है भाई। और भाई व्यू कैसा आ रहा है कमेंट करके जरूर बताना, आरसी की पिछली सीट पे बैठ के भाई, एक व्लॉगर तो यहीं से बन सकता है कसम से यार। जाम देख रहे हो गाइस, यहाँ पे कुछ सीन हुआ भाई, पुलिस की गाड़ी भी है। ओ भाई ये क्या चक्कर है, ओ भाई एसटीएम की गाड़ी, ओ भाई चल 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 मैं आगे करा के करा के करा के, ओ भाई ये क्या सीन है, ट्रक ही रोक लिया भाजी, ओ भाई मना पीछे ने गाइस यहाँ पे हो गया भाई सीन, देख रहे हो टैंकर पलट गया है, ओ भाई देख रहे हो भाई गलती सीन हो गया यार, देख रहे हो भाई, ओ भाई पूरा ट्रक पलट गया है यार, देख रहे हो भाई गलती सीन यार, पूरा टैंकर नीचे गिर गया है भाई। यहाँ देखो भाई लंबा जाम जो है लग गया है, शुक्र है भाई इसकी, मतलब कि इसके नीचे कोई नहीं दबा। आपको पता है भाई लास्ट टाइम जब सोलन में सीन हुआ था ना, तो उसके नीचे जो गाड़ी दबकी हुई थी टैंकर के नीचे, तो भाई शुक्र है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ यार। भाई इसको सीधा भी कैसे करेंगे, तो सीधा भी नहीं होगा यार। ओ भाई ये देख रहे हो गलती सीन गाइस, क्रेन जो है इधर बैक साइड को आ रही है, एक साइड एक क्रेन जो फ्रंट साइड पर, तब जाके इसको उठाएंगे भाई, बहुत रिस्की है भाई, देख रहे हो इनसे कहाँ उठेगा यार, ये बिल्कुल ही इसमें अंदर तारकोल है, मुश्किल है भाई इनसे उठना। तो लास्ट टाइम भी आपको बताया जेसी भी नहीं उठाया था, तो भाई बड़ा मुश्किल है यार, देख रहे हो। ओ भाई गाइस अभी हमारी बाइक तो जो निकल रही है, निकाल निकाल मैं ते गाइस, ये गलती सीन हो गया भाई, इनसे कहाँ उठेगा यार ये, देख रहे हो भाई बड़ा मुश्किल है यार। ओ भाई तारकोली तारकोल रोड पे भी, ओ भाई
देखो भाई, ये देखो भाई यहाँ पे ना गलती सीन हो गया यार। तो भाई अभी यार बारिश लगी हुई थी और हम पहुंच गए हैं हाटेश्वरी माता के मंदिर पे, दर्शन वगैरह करते हैं फिर उसके बाद निकलेंगे। रोडू आपको बताए भाई हमने अपनी बाइक में जो काम कराना है, रबिंग वगैरह और स्टिकर वगैरह जो आज ही लगवा देंगे। और भाई कल है रोडू मेला और भाई कल से जो व्लॉग्स रहने वाले ना वो नेक्स्ट लेवल ही रहने वाले क्यों माता जी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, फुल पावर। पंगड़ा पाएंगे पंगड़ा। तो कहते भी चलते मंदिर अंदर दर्शन वगैरह करते उसके बाद चलते सीधा रोडू। गाइस गाइस भी दर्शन वगैरह जो हो गए हुए है भाई, परसों भी मतलब ठीक से दर्शन हो ही नहीं पाए थे, मतलब सीन हो गया था बाइक का आपको पता ही है। तो अब चलते फटाफट से रोडू अपने बाइक का काम करवाते हैं। मौसम भी भाई बहुत ज्यादा खराब है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई, फटाफट से चलते भाई हमने जो काम कराना बाइक का वो करवा देते हैं। तो गाइस मैं पहुंच गया रोडू भैया के पास, अब कराते बाइक का काम। हेलो भैया कैसे हो आप, बढ़िया। तो गाइस अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, रबिंग करा देंगे इसमें भी और रबिंग करनी है भैया इसमें भी और हल्का सा ये भी था, ये हो जाएगा, ये पुट्टी भर के कलर करना पड़ेगा। हाँ कलर तो करना पड़ेगा। तो गाइस अभी रबिंग जो है स्टार्ट होगी भी है, अभी यार इसको हल्का जो है घिस रहा है। और भाई ये भैया बता रहे कि उन्होंने जो पेंट है वो मतलब ऐसी लोकल पेंट मारा है, देखो भाई कितना सारा पेंट जो नीचे आ गया है भाई। मतलब यार बंदों पर ट्रस्ट करो, मतलब इतना पैसा भी दो बंदों को फिर यार क्या कर देते हैं। चलो यार क्या कर सकते हैं, मेरे को काम कराना था भाई जल्दी, क्योंकि भाई कल रोडू मिला और भाई हाथों के हाल देखो क्या हो गया भैया। और भाई बारिश भी लगनी जो है स्टार्ट हो गई भैया, यार गलती सीन हुई। पर भाई आज बाइक का काम कराएंगे क्योंकि कल रोडू मिला है, तो भाई हमारी बाइक बिल्कुल ओके होनी चाहिए। इन 3 दिनों में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता भाई, बाइक बिल्कुल ओके रहनी चाहिए। ये देखो भाई ये नकली पेंट का पता यहाँ से लगता है भाई, क्या पेंट कर रहा है, नकली तो नहीं है, नकली है। हाँ यार शिट यार किसके पास लगा था मैं भाई, मैंने गूगल से नंबर निकाला था उन भैया का यार। ये देखो भाई यहाँ पे भी हल्का सा, ये देखो शिट यार क्या भाई निकल रहा है। हाँ हाँ भाई बंदों पे ट्रस्ट करो ना, पता नहीं यार बंदे ना क्या ही समझ लेते हैं खुद को, क्या बोले भाई। देखो ना यार बंदे को मैंने पैसे भी दिए भाई इस पेंट के ना, मेरे से उसने इस साइड का पैनल ठीक करने के, परे वाला पैनल ठीक करने के बंदे ने मेरे से 1600 रुपये लिए। तो भाई यार उसमें ये चीज़ आप करके दे रहे हो भाई, ये तो गलत है ना यार, क्या बोले भाई। ट्रस्ट नहीं करना चाहिए भाई आज की डेट में किसी पे भी नहीं भाई, देख रहे हो फिर से मेरे को यहाँ पे कराना पड़ेगा अभी यार। तो ये देखो भाई आपके सामने कितना पेंट जो नीचे लग गया भाई, और ये देखो भाई यहाँ पे, ओ यार शिट गाइस कहाँ फंस गया था भाई मैं यार, सारा निकल गया यार। ये रबिंग का जो क्रीम होता है ना वो इसमें जो है लगा रहे हैं, मतलब थोड़ी शाइन आएगी और इसको मतलब जल्दी मेरे को वापसी मतलब पेंट कराना पड़ेगा फिर से यार। शिट यार अभी भी नहीं कर रहे, ओ यार शिट। तो अब क्या करें, हाँ सारा ही निकल जाएगा ये पेंट, अब कुछ दिन कुछ टाइम बाद कर देंगे इसको फिर से। हाँ 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 सही बात चमक तो आ गई यार, वो भाई देख रहे हो इस पॉइंट से अलग ही दिख रहा है, नीचे वाले पॉइंट से अलग ही दिख रहा है, अभी प्रॉपर जो है इसमें ग्लो आने वाला है। चलो कुछ टाइम बाद यार फिर से करा देंगे, बट भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए यार, मैंने देखो पूरे पैसे आपको दिए और मैं मतलब आपको बोला भी था कि मेरे को एमरजेंसी है, मेरे को जल्दी से जल्दी बाइक ओके चाहिए, तो भाई किसी पे भी ट्रस्ट कर लो भाई, वो तोड़ी देते बाद में यार, क्या यार वो मज़ा नहीं आया। बट चलो कोई बात नहीं यार, कुछ दिनों के लिए सही, बट इसके बाद फिर से कराना पड़ेगा। तो भाई अभी हमने अपने RC 200 वाले स्टिकर जो है वो लगा दिए दोनों साइड को, अब मैंने कुछ स्टिकर और लाए थे, बाकी जो स्पेशल एडिशन वाला जो फॉन्ट था वो भैया के पास मिला नहीं, इसी वजह से मैंने वो वाला स्टिकर बनाया नहीं, तो ये वाले स्टिकर भी खुद ही लगाने पड़ेगा भाई, ये भी मैंने खुद ही लगाया, बताना गाइस कमेंट करके कैसा लगा। ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਬਿੱਲੋ ਅੱਖ ਲਾਲ ਰੱਖੀ ਪਾੜੇ ਅੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋ ਕਰਦਾ ਗਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਤੂ ਵੈਰ ਨਾਲੇ ਯਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਜ ਕੇ ਜੇ ਆਈ ਉੱਤੇ ਆਈ स्टिकर था वो यहाँ पे लगाना, तो मैं आया हूँ भी अजूबा की शॉप में, यहाँ पे फटाफट से स्टिकर कटवाते और फिर लगवाते इस पे। तू गाइस अभी अपने स्पेशल एडिशन का स्टिकर जो है वो रेडी हो गया है, अभी आप लगाते बाइक पे, तो आपसे भाई अपनी बाइक जो वैसे ही बनने वाली है, मैं इसको सीधा लगाऊंगा, आप ही देख लो अपने हिसाब से भाई। ये अभी लग गया अपने स्पेशल एडिशन का स्टिकर, है ये बाइक स्पेशल ही है यार।